हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने माउस का जो पॉइंटर होता है उसको किस तरह से मैंने अरेंज किया जाता है। अरेंज करने से मतलब ये है कि उसको किस तरह से फास्ट बना सकते हैं, किस तरह से स्लो बना सकते हैं, या फिर उसका जो ये जो आपको ये जो दिखाई देता है कर्सर, इसको किस तरह से चेंज किया जाता है, यानी कि इसका शेप किस तरह से चेंज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पर जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के बाद एक माउस ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक माउस का एक अलग ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें से आपको माउस का सभी अरेंजमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर बटन्स में है, यहाँ ये पहला ऑप्शन, इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं, यानी कि इसे चेक कर देते हैं, तो इससे अब क्या होगा कि आपके माउस का जो राइट बटन है अब वो लेफ्ट बटन बन चुका है, और जो लेफ्ट बटन है वो राइट बटन का वर्क करेगा। इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आप एक राइट हैंड से वर्क ना करके अगर आप लेफ्ट हैंड से अगर वर्क करना चाहते हैं, तो आप इसको इस ऑप्शन को अगर चेक कर दीजिएगा, तो अब आप राइट हैंड के बजाय लेफ्ट हैंड से भी अगर वर्क कीजिएगा तो आपको वर्क करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम लेफ्ट बटन से अप्लाई करना चाहें तो नहीं होगा, इसमें अब आपको राइट बटन पर क्लिक करना होगा, तब ये जाकर अप्लाई होगा और फिर ओके भी होगा। तो इसका यूज लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड से करने के लिए बहुत अच्छा है, और नहीं तो इसे अनचेक कर दीजिए, फिर आप बढ़िया से इसको यूज कर सकते हैं। और ये डबल क्लिक स्पीड है, यानी कि आप इस पर अगर फास्ट कर देते हैं, यानी इस चीज को अगर फास्ट करते हैं तो डबल, अगर मान लीजिए किसी भी फोल्डर को खोलने के लिए अगर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो वो जल्दी से ओपन होगा, और इसे अगर स्लो कर देते हैं तो वो ओपन होगा लेकिन थोड़ा बहुत स्लो होगा, इससे आपको इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन आप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा आता है ये क्लिक लॉक, इससे क्या होता है, अगर आप इसे एक बार क्लिक करते हैं, यानी कि इसे ओके कर लेते हैं चेक करके, और यहाँ पर सेटिंग पर जाकर यहाँ पर अगर शॉर्ट कर देते हैं, तो अब इसका यूज ये होता है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर रहे हैं, तो उसमें आपको अगर मान लीजिए यही है, इस बॉक्स को हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो अब आप जब तक जिस जगह पर रखना चाहते हैं वहां पर जब तक नहीं क्लिक कीजिएगा, तब तक वह इसी तरह यानी कि आपके पॉइंटर के साथ ही वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर हम रखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वहीं पर रह जाएगा। अब यानी कि एक बार आपको ड्रैग करने के लिए क्लिक करना होगा और एक आपको ड्रॉप करने के लिए क्लिक करना होगा, यानी कि इससे आपको डबल क्लिक करना होगा। एक बार यहाँ से ड्रैग कर लिए, यहाँ पर ड्रॉप कर दिए, फिर इस तरह का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई डाटा मूव कर रहे हैं एक जगह से सिलेक्ट करके वहां से उठाकर और कहीं भी रखना चाहते हैं, वहां अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, फिर वहां पर भी एक बार क्लिक कर दीजिएगा, वो जितना भी डाटा रहेगा आपका उस जगह पर क्लिक हो, यानी कि वहां पर पेस्ट हो जाएगा। अब इसी तरह है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंटर, पॉइंटर पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको इसका जो आपका ये दिखाई देगा पॉइंटर, पॉइंटर का आप शेप्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो अभी पॉइंटर है आपका जिसे मूव कर रहे हैं माउस से, इसे वाइट कलर का दिखाई, अगर आप इसे और किसी कलर का करना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर यानी चूज करके सिलेक्ट करके और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा, तो अब आपका ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा होने में समय लगेगा, अब ये ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि आप देखे होंगे कि आप अप्लाई जब हम किए थे तो इस तरह का आपको सिंबल दिखाई दिया, यानी कि वो प्रोसेस हो रहा था। अगर आप मान लीजिए इस चीज को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपको प्रोसेस हो तो जो आपका ये पॉइंटर है, पॉइंटर का आकार चेंज हो जाए लेकिन इस तरह का ना हो, किसी और तरह का हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वर्किंग बैकग्राउंड, या फिर बिजी, या फिर ऐसे ही। ठीक है, इसी तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करके आप उसका यूज कर सकते हैं।
अब इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर ये एक गोल्ड कलर का था, यानी कि ब्लू कलर का एक आएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये आपका जो सिंबल्स है, देखिए ऐसा चेंज हो गया, यानी कि अब जब भी ये प्रोसेस करेगा, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए वर्क करते हैं आप, अगर वो प्रोसेस कर रहा है तो वैसा ही आपका दिखाई देगा, और नहीं तो आपका ऐसा ये जो पॉइंटर है सिर्फ ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये देखिए अभी इस तरह इसके पीछे से कोई भी शेडो नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको इनेबल कर देते हैं तो अब इसके पीछे यानी कि एक शेडो की तरह मैंने एक थोड़ा सा हल्का सा शेडो ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का शेडो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन बस यही है, इतना होता है कि ये नीचे यानी कि एरो के थोड़ा सा पीछे एक शेडो की तरह दिखाई देता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन पर जो आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें बहुत बढ़िया फीचर्स दिया हुआ है इसका। ये पहले का मोशन, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप इस चीज को स्लो कर देते हैं तो अब आप अपने माउस को ज्यादा मूव कीजिएगा तो ये बहुत ही कर्सर आपका जो स्क्रीन पर दिखाई देगा ये बहुत ही बहुत बहुत ही स्लो, बहुत ज्यादा मात्रा में स्लो वर्क करेगा। और अगर मान लीजिए आप इस चीज को फास्ट पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि अब इस चीज को हम फास्ट कर देते हैं तो अब आपका माउस फास्ट हो जाएगा, और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कोई भी माउस से थोड़ा सा भी अगर आप इधर उधर कीजिएगा यानी कि मूव कीजिएगा अपने हैंड से तो वो आपको कर्सर स्क्रीन पर अच्छी तरह से मूव होते हुए आपको दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आप इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है, अनचेक करने के बाद अगर आप माउस को थोड़ा सा भी इधर उधर हिलाते हैं तो आपका ये जो कर्सर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में इधर उधर होगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत स्पीड यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में इधर उधर होगा, यानी कि उसका स्पीड काफी बढ़ जाएगा। इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं, माउस में अगर मान लीजिए आप डेस्कटॉप यूज करते हैं और माउस लगाया हुआ है तो आप इसे चेक रहने दें तो इससे क्या होगा कि आपका जो माउस का जो मूवमेंट होगा वो इसके स्क्रीन के मूवमेंट के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए आप जितना माउस को मूव करेंगे उतना ही स्क्रीन पर भी पॉइंटर आपका मूव होगा। अगर मान लीजिए आप लैपटॉप में यूज करते हैं जिसका ट्रैक बहुत छोटा होता है तो आप इसे अनचेक कर दीजिए तो इससे क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा भी माउस ट्रैक पर अगर आप माउस उंगलियों को थोड़ा इधर उधर करते हैं तो वो बहुत फास्ट यानी कि आपका जो भी डेस्कटॉप का एरो होगा ये बहुत ही फास्ट मात्रा में आपको रन होगा यानी कि इधर उधर मूव होगा। ठीक है, और ये है ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है ये इस ऑप्शन में अगर आप मान लीजिए इसे अनचेक कर देते हैं तो आप अगर मान लीजिए वर्क कर रहे हैं और कोई डायलॉग बॉक्स को ओपन हुआ या फिर मान लीजिए आप डिलीट किए, जैसे मान लीजिए हम इस चीज को डिलीट करते हैं, इस चीज को मान लीजिए हम इसे डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के लिए देखिए अभी हमारा जो कर्सर है अभी यहाँ पर है, हम डिलीट पर क्लिक किए तो अभी हमारा कर्सर यहीं पर है। ठीक, यहीं पर है। अब हमें यस करने के लिए यहाँ पर जाना होगा और नो करने के लिए यहाँ पर, यानी कि हमें थोड़ा सा मूव करना होगा। तो इसका ऑप्शन ये है, अगर आप इसे ऑटोमेटिकली कर देते हैं और अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं तो इस ऐसे करने से आप जो भी करना चाहते हैं वो डायरेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप इसे डिलीट करना चाहते थे तो अब इसे डिलीट आप कीजिएगा, अभी आप मान लीजिए यहाँ अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्लिक किए डायरेक्ट देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया बिना कोई माउस से मूवमेंट किए, यहाँ पर यस या नो के लिए पूछ रहा है, आप यस करना है यस कर दीजिए, नो करना है नो कर दीजिए, यानी कि आपका जो मूवमेंट है माउस का है जो आपने हाथ से मूवमेंट मूव किए वो बहुत ही कम हो गया, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको माउस को मूव करना होगा उसके लिए ये अपने से ही कह दिया ऑटोमेटिकली यहाँ पर बटन पर आ जाता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये होता है। और ये है, ये तो अपने जैसे अपने कर्सर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप मान लीजिए ऐसा कर दिए, अब आप कर्सर को जितना ही मूव करेंगे उतना आपको कर्सर दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब आप इसे जितना मूव करेंगे उतना ही निकलेगा। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ज्यादा मूव कीजिएगा तो देखिए किस तरह से।
ऐसे इसका यूज ये होता है। इसे अनचेक कर देते हैं अभी। हाइड पॉइंटर मेमोरी टाइपिंग, इसका ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि आप इसे अगर चेक किए हुए हैं और आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर, किसी भी फाइल पर अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका पॉइंटर अपने से हाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये शो डेस्कटॉप लोकेशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे चेक कर देते हैं और इसे अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं तो आपका पॉइंटर मान लीजिए कहीं भी हो, अगर आप मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट पर राइट कर रहे हैं या किसी फाइल में कुछ भी बना रहे हैं आप, ऐसे कुछ जिसमें आपका पॉइंटर नजर नहीं आ रहा है, तो आपको, आप इस अगर ऑप्शन को चेक किए हुए हैं तो आपको एक बार बस कंट्रोल बटन क्लिक प्रेस करना होगा। उसके बाद आपको ये कंप्यूटर खुद बता देगा कि आपका पॉइंटर है कहाँ। देखिए आप कहीं भी है, एक बार कंट्रोल बटन क्लिक करने के बाद आपको वो दिखा रहा है कि पॉइंटर आपका यहाँ पर है। इसका ऑप्शन, यानी कि इस ऑप्शन का यूज ये होता है। ये वाइल है, इसमें क्या होता है कि आपको, जैसे कि मान लीजिए अभी एक है, वन है, ठीक है, हम अभी एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे फाइल हैं, बहुत सारे फाइल हैं। तो इसमें आपको क्या है कि आप एक पर क्लिक किए हैं, अभी ये वन पर है, तो अब क्या होगा कि आपके ये जो राइट और लेफ्ट माउस के जो राइट और लेफ्ट बटन होता है उसके बीच में एक स्क्रॉल बार है, तो अगर आप उसका यूज करके अगर हम नीचे आना चाहेंगे तो देख रहे हैं हम बहुत ही स्लो स्लो आ रहे हैं, ठीक इस तरह से। यदि ये यहाँ पर वन है तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हम बढ़ा कर कुछ ज्यादा कर देते हैं, ठीक है, इतना कर देते हैं, फिर अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अप्लाई पर जो हम क्लिक किए, यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या बढ़ गया है, 1 से 90 हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप जो स्क्रॉल कीजिएगा वो ज्यादा संख्या में होगा, यानी कि ज्यादा आपका जो फाइल या फोल्डर है वो जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी आपका ये यहाँ पर है, देखिए हम नीचे बहुत जल्दी आ गए, 2-3 बार राउंड किए उसके बाद आराम से चले आए। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर वन स्क्रीन एट ए टाइम करना चाहे कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आप मान लीजिए अभी यहाँ पर है, अभी इसे अप्लाई कर देते हैं ताकि ये सभी सिस्टम पर अप्लाई हो जाए। तो इससे क्या होगा कि अभी आपका फोल्डर, फर्स्ट फोल्डर ये है, लास्ट आपका हेल्प है, हेल्प के नीचे एक और है, ठीक। अगर आप एक बार सिर्फ ऐसे कीजिएगा, मैंने एक बार स्क्रॉल कीजिएगा स्क्रॉल बटन से, तो देखिए हेल्प के नीचे ये फोल्डर था। अब देखिए अब लास्ट में ये आपका ये है, अब एक बार और स्क्रॉल कीजिएगा तो अब यहाँ पर आ जाइएगा। तो इसका ऑप्शन ये है, इसका मतलब ये है कि आप एक स्क्रीन में, यानी कि ये पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक, यहां से मैंने कि एक बार जो आपको डेस्कटॉप ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक एक बार में आपके मूव हो जाएगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक बार में मूव हो जाएगा, और दूसरा बार यानी कि यहां से उसका नेक्स्ट पेज, यानी कि नेक्स्ट उतना ही, यानी कि जितना ये इतना बड़ा जब आपका स्क्रीन है ये इतना आपको फिर से दिखाई देगा, इसका मतलब ये है। और ये इसका ऑप्शन इस समय किया जाता है, लेफ्ट से राइट तक जा सकते हैं, इसका ऑप्शन ये किया जाता है। इसका वैसे इतना यूज तो होता नहीं है, इसका यूज तो इसका मतलब यूज इसका ज्यादा होता है, इस चीज इस ऑप्शन का ज्यादा होता है, ठीक है। और ये हार्डवेयर है, इसमें आपको बताएगा कि आप आपने अभी अपने कंप्यूटर के साथ कौन सा जो है माउस अटैच किया हुआ है, ये आपको दिखा रहा है किस तरह का माउस है, यूएसबी पोर्ट है। अब यानी कि माउस के हार्डवेयर के बारे में यहाँ पर आपको बता देगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाएगा, यहाँ पर आपको और भी डिटेल सब बताएगा, ठीक है, यहाँ पर और भी डिटेल आपको बता देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना है, अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और इस पर कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।